यहाँ पे हम महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी उसका कंपैरिजन करेंगे, तो सिमिलरिटीज देखेंगे। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे और गांधी जी थे, दोनों ही मास मोबिलाइजेशन में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मास मोबिलाइजेशन शुरू की थी गणपति फेस्टिवल। इसी तरह से महात्मा गांधी के भी मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, दोनों बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में बिलीव करते थे। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझते थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी, इसी तरह से महात्मा गांधी ने जो है गुजरात विद्यापीठ और दूसरे स्कूल्स एस्टेब्लिश किए थे। कुछ डिफरेंसेस भी थे दोनों में। जो बाल गंगाधर तिलक था उनको एक रेडिकल लीडर समझा जाता था, वो वायलेंस का यूज़ और जो एक्सट्रीमिस्ट मेजर थे वो यूज़ कर करते थे, और गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो नॉन वायलेंस में ज़्यादा बिलीव करते थे। स्वराज की डेफिनेशन दोनों की अलग थी। तिलक के लिए पूर्ण स्वराज था, जबकि गांधी जी के लिए डोमिनियन स्टेटस था, मतलब इंडिपेंडेंस हो बट अंडर ब्रिटिशर्स हो। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो एक, उनको माना जाता था कि ही वॉज अ एडवोकेट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। ऐसा कहा जाता था कि कुछ माइनॉरिटी के ग्रुप जो थे उनकी पॉलिसी से एलिनिएट हो गए थे, जबकि गांधी जी थोड़े इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ लीडर थे, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। थैंक यू सो मच।